एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है, जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फेरेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी, क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश मां ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है, दो भाई अलग हो जाते हैं, क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और ड्रब इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फेरेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके।
एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेशेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेशेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें, कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स, ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब, और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सैंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट, और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर, दिसंबर 18, 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट, और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रोमेशेस के रूप में मिशेल फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविड क्लोवर जेथ्रो के रूप में, फिल्म की शुरुआत में फिरौन साथी के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंत उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेशेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद
भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेश अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डूबने की आज्ञा देता है डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और एक और ड्रब इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने देगी देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्वर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हंस जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर दिसंबर 18, 1998। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रामेसेस के रूप में मिशेल फीफर, तीजप्रो के रूप में मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में, होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक
हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुनने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फेरेश और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फेरेश के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फेरेश अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स, ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ट ऑन
प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सैंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट, और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्ष जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है डीम वर्क्स पिक्चर, डीम वर्क्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया डीम वर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998, प्रीमियर दिसंबर 18 1998। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट, और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस रोमेशस के रूप में मिशेल जी फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में, फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फिनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अत्यंत उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को मार डालने का दे दिया था। एक हताश मां ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेशेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले
फिरौन सैथ यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डूबने की आज्ञा देता है, डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और एक और ड्रब इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्वर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियो को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्वर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें, कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर दिसंबर 18, 1998। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रामेसेस के रूप में मिशेल फीफर, तीजप्रो के रूप में मिरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैथी के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे
अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंतत उन्हें मुश्किल में डाल देगी, क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन सक जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं, क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकलने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियो को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स, ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ट ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन शॉर्ट
और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिया हंस जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर, दिसंबर 18, 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट, और यह यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियर्स रोमेशेस के रूप में मिशेल जी फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियरेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन सक जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस
यानी कि रॉल्फ फियरनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्वर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें धूप दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेशेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेशेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियरनेस रोमेशेस के रूप में मिशेल जी फीफर, तीजप्रो के रूप में मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविड क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियरनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अत्यंत उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता।
हुआ देता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बार डाले का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स, ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ट ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है डीम वर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया डीम वर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर दिसंबर 18 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं।
मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियर्स रोमेशस के रूप में मिशेल जी फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंट्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियरेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंतत उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को मार डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेशेश के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकलने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेश अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेशेश यानी कि रॉल्फ फियरेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियो को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है।
प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेशेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेशेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स, ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब, और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट, और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर, दिसंबर 18, 1998 इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट, और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रामेशेस के रूप में मिशेल फीफर, तीजप्रो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैथी के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी टिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रामेशेस यानी कि रॉल्फ फियनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन सक जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैथ यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया
रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया। बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं, क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डूबने की आज्ञा देता है एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और एक और ड्रब इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देगी देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें धूप दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सैंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस रामेसेस के रूप में मिशेल जी फीफर, तीजप्रो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविड क्लोवर जेथ्रो के रूप में
फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलन मिरेन, स्टीव मार्टिन हार्टेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेश यानी कि रॉल्फ फेरेश और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को मार डालने का दे दिया था। एक हताश मां ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेश अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और ड्रब इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फेरेश के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जाना
जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेशेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेशेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स, ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब, और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किलमेर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट, और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है डीम वर्क्स पिक्चर, डीम वर्क्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया डीम वर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर दिसंबर 18 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रोमेशेस के रूप में मिशेल फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविड क्लोवर जेथ्रो के रूप में, फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में, होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंत उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेशेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद
शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डूबने की आज्ञा देता है एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्वर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हंस जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर दिसंबर 18, 1998 इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रामेसेस के रूप में मिशेल फीफर, तीजप्रो के रूप में मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में, होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक
हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फेरेश और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को मार डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फेरेश के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फेरेश अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है
ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं, फिलिप लाजेबनिक ऐसे बेस्ट ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किलमेर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है डीम वर्क्स पिक्चर, डीम वर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया डीम वर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998, प्रीमियर दिसंबर 18 1998। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस रोमेशस के रूप में मिशेल जी फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविड क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फिनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को मार डालने का दे दिया था। एक हताश मां ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेश अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले
फिरौन सैथ यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डूबने की आज्ञा देता है डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और एक और ड्रब इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देगी देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियो को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सैंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर दिसंबर 18 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रामेसेस के रूप में मिशेल फीफर, तीजप्रो के रूप में मिरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर, जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैथी के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में, होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे
अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंतत उन्हें मुश्किल में डाल देगी, क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन सक जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं, क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकलने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डूबने की आज्ञा देता है एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियो को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ट ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट
हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट, और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है डीम वर्क्स पिक्चर, डीम वर्क्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया डीम वर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998, प्रीमियर दिसंबर 18 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट, और यह यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड, इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियर्स रोमेशेस के रूप में मिशेल जी फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज़ के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियरेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन सक जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस
यानी कि रॉल्फ फियरनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्वर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें धूप दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेशेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेशेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सेंड्रा रॉबिन, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियरनेस रोमेशेस के रूप में मिशेल जी फीफर, तीजप्रो के रूप में मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविड क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन साथी के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियरनेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अत्यंत उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता।
हुआ देता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को मार डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेसेस के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकालने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेसेस अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन कर देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेसेस यानी कि रॉल्फियनेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियों को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मिस्र के राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेसेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेसेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स, ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सैंड्रा रॉबिन, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसके प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर दिसंबर 18, 1998 में यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं।
मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियर्स रोमेशस के रूप में मिशेल जी फीफर, तिजपोरो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सेंट्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविड क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैती के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट भिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिस्र के राजकुमार मूसा को एक हिब्रू के रूप में अपनी पहचान और अपने लोगों के चुने हुए उत्तराग्रता बनने की उनकी नियति के बारे में पता चलता है। यह दो भाइयों की असाधारण कहानी है जिनका नाम रोमेशस यानी कि रॉल्फ फियरेस और मूसा यानी कि वेल किल्मर है, जो शाही खून से पैदा हुआ था और एक गुप्त अतीत के साथ एक अनाथ था। सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बढ़ते हुए वे मुक्त उत्साही युवाओं और अच्छे स्वभाव प्रतिद्वंद्विता का एक मजबूत बंधन साझा करते हैं, लेकिन सच्चाई अंत उन्हें मुश्किल में डाल देगी क्योंकि एक साथ एक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन जाता है और दूसरा अपने लोगों को चुना हुआ नेता। सदियों पहले प्राचीन मिस्र के फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने सभी हिब्रू बच्चों को बाहर डालने का दे दिया था। एक हताश ने फैसला किया कि फांसी के बजाय भगवान ने अपने नवजात बेटे के मार्गदर्शन किया। रानी यानी कि टैब हेलेन मिरेन द्वारा पाया गया बच्चे का नाम मूसा रखा गया और मिस्र के राजकुमार और फिरौन के बेटे रामेशेश के भाई के रूप में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतता है दो भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि मूसा यानी कि वेल किल्मर एक हिब्रू के रूप में अपनी असली विरासत की खोज करता है और मिस्र के जीवन के तरीकों को धरता बताता है। शहर से भागने के बाद निकलने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया। दुर्भाग्य से रामेशेश अब लोहे की मुट्ठी के साथ इब्रानियों पर शासन करता है और यह मूसा की सारी ताकत और दुनिया को बदलने के लिए भगवान के चमत्कारों के लिए जाएगा। मिस्र हजारों साल पहले फिरौन सैत यानी कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट सभी पुरुषों हिब्रू बच्चों को डुबाने की आज्ञा देता है। एक हताश माँ अपने बेटे को एक टोकरी में रखती है और इब्राहिम परमेश्वर को नदी के रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने देती है। टोकरी रानी यानी कि टैम हेलेन मिरेन द्वारा पाई जाती है और मूसा को सिंहासन के उत्तराधिकारी रामेशेश यानी कि रॉल्फ फियरेस के भाई के रूप में लाया जाता है। वर्षों बाद भाई जो खुशी और धनी हुई मूसा की अपनी सच्ची विरासत की मान्यता और उसके भाई का दमन करने वाले व्यवस्था के कारण विभाजित हो गए, जो इससे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निराशा में शहर से भागकर मूसा यानी कि वेल किल्मर खुद को भगवान द्वारा बुलाया जा रहा है। उसे इब्रियो को मुक्त करने और उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाने के लिए दूत होने का कार्य दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में
कि राजकुमार मूसा यानी कि वेल किल्मर को पता चलता है कि वह एक हिब्रू है और वह एक गुलाम पैदा हुआ था। मिस्र छोड़ दे और जेथ्रो यानी कि डैनी ग्लोवर से मिलने के बाद महायाजक और जेथ्रो की बेटी तीजप्रो यानी कि मिशेल फीफर से शादी करते हुए मूसा को अपने लोगों को ईश्वर के हाथों से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जानना चाहिए ताकि वह उसका नेतृत्व पर कर सके। एक समस्या है कि यह है कि उसका पूर्व भाई रामेशेस यानी कि रॉल्फ फियनेस अब फिरौन है और वह परमेश्वर के चमत्कारों के आगे नहीं झुकेगा। अब मूसा रामेशेस द्वितीय के अपने लोगों को जाने दें कुछ भी करेगा। चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है ब्रेंडा चैम्पन, स्टीव हिकनर, साइमन वेल्स ऐसे लिखे हैं फिलिप लाजेबनिक, ऐसे बेस्ड ऑन प्लान की किताब और इसे प्रोड्यूस किए हैं पैनी फिकलमैन फॉक्स, सैंड्रा रॉबिन्स, इसे स्टारिंग दिए हैं वेल किल्मर, रॉल्फ फिनेस, मिशेल फीफर, सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम, डैनी क्लोवर, पैट्रिक स्टीवर्ट, हेलेन मिरेन, स्टीवन मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और इसे एडिट किए निक फ्लेचर, इसे म्यूजिक दिए हर्स जिमर, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ड्रीमवर्क्स पिक्चर। इसका रिलीज डेट है 16 दिसंबर 1998 में प्रीमियर, दिसंबर 18, 1998 यूनाइटेड स्टेट। इसका रनिंग टाइम है 99 मिनट और यह यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $17 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $218.6 मिलियन। चलिए फ्रेंड इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में जान लेते हैं। मूसा के रूप में वेल किल्मर, रॉल्फ फियनेस रामेशेस के रूप में मिशेल फीफर, तीजप्रो के रूप में मरियम मरियम हारून के बहन और मूसा की जैविक बहन के रूप में सैंड्रा ब्लॉक, जेफ गोल्डब्लम के रूप में हारून, डेविन क्लोवर जेथ्रो के रूप में। फिल्म की शुरुआत में फिरौन सैथी के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट, रानी तिविया के रूप में हेलेन मिरेन, स्टीव मार्टिन हॉटेप के रूप में होप के रूप में मार्टिन शॉर्ट, ऑफ हाजा के रूप में यूहसेट, रोमेश के बेटे के रूप में बॉबी मेटाउन, एनी लॉकहार्ट हिब्रू महिला के रूप में, अतिरिक्त आवाज के रूप में जेम्स एवरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।